हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेटर आर। इस वीडियो में हम लेटर आर के बारे में बात करेंगे। लेटर आर इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि जो अमेरिकन होते हैं वो लेटर आर को प्रोनाउंस करते हैं और जो ब्रिटिश होते हैं वो लेटर आर को प्रोनाउंस नहीं करते। बहरहाल इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले फ्रंट आर के बारे में, उसके बाद हम बैक आर के बारे में बात करेंगे। फ्रंट आर वो होता है, इस एनिमेशन में इमेज नंबर वन को अगर आप देखें, फ्रंट आर वो होता है जब ये वर्ड के बिगिनिंग में आता है, और जब हम इस आर को प्रोनाउंस कर रहे होते हैं तो हमारे जबान का टिप ऑफ द टंग हमारे अल्वियोलर रिज की तरफ उठता है और थोड़ा सा आगे की तरफ मुड़ा हुआ भी होता है, यानी थोड़ा सा कर्व स्टाइल में होता है, जिस तरह ये एनिमेशन अभी फ्रंट आर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ऑन द अदर हैंड बैक आर वो लेटर होता है जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे होते हैं तो हमारे जबान का मिडल पार्ट के पीछे हमारे जबान का जो हिस्सा होता है वो आगे की तरफ यानी हमारे रिज की तरफ थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, और हमारे जबान का जो टिप ऑफ द टंग है वो उतना रिज नहीं होता जितना वो फ्रंट आर में रिज होता है। इस एनिमेशन से आप क्लियरली समझ सकते हैं। नाउ लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। We have the word rich and we have the word raj. To rich our raj. ये दोनों words front R से start होते हैं, यानी इन दोनों words से यानी इन दोनों letter से word start होता है, तो इसलिए हम इसको front R कहते हैं। Now we have two more example. Car and far. अब car और far में letter R word के आखिर में आता है तो इसको हम back R कहते हैं। Now we will talk about rhotic speakers and non-rhotic speakers. Rhotic speakers वो speakers होते हैं जो letter R को pronounce करते हैं, जैसा कि American हो गए या हमारे Asia के जितने लोग हैं ये हो गए, ये भी letter R को pronounce करते हैं। On the other hand, non-rhotic speakers वो speakers होते हैं जो letter R को word के बीच में या word के आखिर में या तो pronounce ही नहीं करते और या बहुत gently pronounce करते, यानी थोड़ा सा pronounce करते हैं, तो उन्हें फिर हम non-rhotic speakers कहते हैं। Let's take some examples. For example, car, far, water, butter, teacher, father. इन्हीं तमाम वर्ड में मैं लेटर आर को प्रोनाउंस करता हूँ, जिस तरह रोटिक स्पीकर्स करते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेंगे नॉन रोटिक स्पीकर्स की, इन्हीं वर्ड्स की। नॉन रोटिक स्पीकर्स इन्हीं वर्ड में लेटर आर को प्रोनाउंस नहीं करते या जेंटली प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, का, फा, वोटा, बोटा, टीचर एंड फादर। इस एग्जाम्पल से आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट दोज वर्ड्स वेयर बोथ अमेरिकन एंड ब्रिटिश दे बोथ प्रोनाउंस लेटर आर। अब हम उन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जहां पर अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों ही लेटर आर को प्रोनाउंस करते हैं, यानी सभी लोग लेटर आर को प्रोनाउंस करते हैं। तो वो कौन से हालात थे जब लेटर आर वर्ड के बिगिनिंग में आता है, यानी जब लेटर आर फ्रंट आर होता है, तब दोनों इस लेटर आर को प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रैबिट, राज। जब लेटर आर वर्ड के बीच में आता है लेकिन ये जी के बाद आता है, तब भी वहां पर दोनों ही स्पीकर्स इसको प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोग्राम, किलोग्राम एंड मोनोग्राम। जब लेटर आर कॉन्सोनेंट क्लस्टर में आता है, कॉन्सोनेंट क्लस्टर का मतलब होता है जब दो कॉन्सोनेंट लेटर वर्ड के बिगिनिंग में एक ही साथ आ जाते हैं, उसे हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीन, स्क्रीम, ट्रस्ट एटसेट्रा। अब इन्हीं तमाम वर्ड में लेटर आर एज अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर लेटर आर प्रोनाउंस होता है। तो आई होप दिस वीडियो वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो द पेज। आई शिल बी वेरी थैंकफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।